गुड मॉर्निंग गाइस, आवाज आ रही है सबको? सब क्लियर है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. नमस्ते, गुड मॉर्निंग. आवाज आ रही है सब लोगों को? मुझे थम्स अप या क्लियर लिख के भेज दे, कोई भी ठीक है. हिमानी, थैंक यू. तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं. संसद की कुछ टर्मिनोलॉजी छूट गई थी वो पढ़ेंगे, साथ में विधायी प्रोसेस क्या होता है, किसी भी कानून को बनाने का पूरी प्रक्रिया क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे. यहाँ से पीटी में क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है. तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अन अकेडमी के बारे में जान लेते हैं. दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मेरा चश्मा कहाँ गया? ये नहीं पता आप लोगों को मेरा चश्मा? एक मिनट का टाइम दे दो प्लीज. अन अकेडमी देश भर में यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. यदि आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. अन अकेडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एडुकेटर्स पढ़ाते हैं. दोस्तों, मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है. जहां तक बात की जाए सिविल सेवाओं के क्षेत्र में मेरे अनुभव की, तो मुझे आईएएस के साथ अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है. मुझे इंटरव्यूज का अनुभव है. मैंने अपना एमए पोल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और अपना यूजीसी नेट भी पोलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है. और मेरा वैकल्पिक विषय जो मेरा जो ऑप्शनल है वो हमेशा से हिस्ट्री रहा है. ठीक, मेरा प्रोफाइल लिंक है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 4-in-1 ऑफर चल रहा है. प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे. यदि आप 1 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे बुक्स फॉर्म में. लगभग 10,000 वर्थ है इनकी. मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, यानी कि आपको 3 से 4 महीने अतिरिक्त पढ़ने का मौका मिलेगा. लोन की सुविधा अकेडमी आपको दे रहा है और 10% डिस्काउंट मेरे कोड के साथ. यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ये बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है 12 मई तक, यानी कल तक ये ऑफर वैलिड है. दोस्तों, 25% विद 10% ऑफर, यानी यदि आप जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो प्रोग्राम लेते हो, कॉम्बो में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो जिसमें आप जीएस भी पढ़ोगे ऑप्शनल भी पढ़ोगे, तो उस पे आपको 25% प्लस 10% का ऑफर मिलेगा. जैसे 1 साल की फीस आपकी इसमें लगभग 77,000 है, लेकिन कल तक यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 57,500 यानी 57,500 ही पे करना होगा. सेम 1 साल की फीस आइकॉनिक में 1,02,000 है, आपको 76,500 ही पे करना होगा. बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, 12 मई तक अवेलेबल है. इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया था. सब्सक्रिप्शन लेना है तो ललिता YT कोड के साथ लेना है. 10% डिस्काउंट मिलेगा, मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा. इंडियाज बेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक यूपीएससी चल रहा है. ठीक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन होता है, प्लस और आइकॉनिक. प्लस सब्सक्रिप्शन 6 महीने से 3 साल तक का, ललिता YT कोड के साथ 10% डिस्काउंट, मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा आपके सिलेक्शन तक. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल से 3 साल तक का ले सकते हैं. यहाँ पे भी आपको ललिता YT कोड का यूज करना है, आपके सिलेक्शन तक मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा. सॉरी गाइज, आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है. सुबह की क्लास वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, थोड़ा आज आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा. मेरा गला भी दर्द कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगी. ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अपने बेनिफिट्स होते हैं. पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, यानी आपकी पूरी तैयारी की जर्नी में एक मार्गदर्शक आपका मार्गदर्शन करेंगे. लेकिन यदि आप ललिता YT कोड का यूज करेंगे तो इन मार्गदर्शन के अलावा मेरा मार्गदर्शन आपके सिलेक्शन तक आप लोगों के साथ रहेगा. बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं 12 मई से, 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच, एनसीईआरटी बैचेस. तो यदि आप मेरे कोड के साथ, ललिता YT कोड के साथ आते हैं तो मेरी क्लासेस के साथ हर बैच तक आपका एक्सेस होगा. फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, अनलॉक कर सकते हैं ललिता YT कोड के साथ. कॉम्बैट का आयोजन हर संडे को होता है. बहुत ही जरूरी होता है इस तरीके की प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करना. इससे हमें हमारी कमियों का पता लगता है और बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है. 1 से 3 रैंकर हैं, उनको एक तरीके से 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. 4 से 10 को 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 को 50% और 51 से 500 रैंक होल्डर को 25% स्कॉलरशिप मिल रही है. एनरोल करा लेना है. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा. ललिता YT कोड के साथ आपको एनरोल कर लेना है.
ठीक है। बाकी आप लोगों की तबीयत ठीक है मैम? आप जल्दी, बिल्कुल यार बिल्कुल। आज थोड़ी छोटी लूंगी क्लास, बिल्कुल। थैंक यू सोनिया इतना कोऑपरेट करने के लिए यार, क्योंकि आज हालत खराब है। हालांकि हालत तो ऐसे थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन आजकल की डेट में थोड़ा ज्यादा खौफ हो गया है। थोड़ा सा गला दर्द हुआ, चार पांच छींके आ गई और हेडेक हुआ, तो लगा कि कहीं ये वही तो नहीं है। तो थोड़ा सा टेंशन का माहौल तो है ही। कोई बात नहीं, सतर्क रहेंगे हम भी, आप लोग भी। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कल तक की क्लास का किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ लो। जीएस ट्रिक स्मार्ट, कोई बात नहीं दोस्त, ध्यान रखो, हौसला रखो। चलो कल की क्लास में, ठीक है? ठीक है, चलो। आज है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यहां से हम शुरुआत करेंगे। ये पूछता है क्या होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान को आकर्षण करना, यानी ये एक प्रस्ताव होता है। सदन का कोई सदस्य, सदन के पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी को समझते हो ना, सदन की जो अध्यक्षता करता है, मतलब सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से, मतलब कोई भी संसद का सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान, अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर आकृष्ट कर सकता है। मान लो कोई लोक महत्व का मसला है, उस पर मंत्री ने कोई विचार नहीं किया है, तो कोई संसद सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से उस मंत्री का ध्यान उस लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कर सकता है। इसी को कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है? दूसरी चीज हमको ध्यान रखनी है, शून्यकाल का हिंट मैंने दिया था। शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है। तो ये प्रस्ताव जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, इसको भी ध्यान रख लेना कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की ही तरह संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है, ठीक है? शून्यकाल की ही तरह संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है, जो 1954 से अस्तित्व में है। शून्यकाल के विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है, बस इतना सा डिफरेंस है। शून्यकाल का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नहीं था, ध्यान आकर्षण का जिक्र है। इतना नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा, बस इतना ध्यान रख लेना दो चीजें कि भाई जिस तरीके से शून्यकाल भारत की देन है, उसी तरीके से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी भारत की देन है। और इसमें कुछ नहीं, एक संसद का सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान किसी लोक महत्व के विषय की तरफ आकृष्ट कर सकता है कि माननीय मंत्री जी ये देखिए, आपके रहते हुए आपके मंत्रालय के अंतर्गत इन प्रकार की, इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं जिससे लोक महत्व के ऊपर गलत जो है प्रभाव पड़ रहा है पूरा लोगों के ऊपर, तो आप इस पे विचार करें। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यही होता है, ठीक है? अब ये समझ गए, इतना ही ध्यान रखना है। बस एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, ये भारत की देन है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे पीटी लिख लेना। पीटी लिख के, पीपीटी क्यों लिख रही हूँ भाई मैं, पीटी लिख ले, लिख के यहाँ पे 5 स्टार दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्थगन प्रस्ताव, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मसले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव। मान लो सदन चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है लोक महत्व से संबंधित, तो किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का, ये 50 ध्यान रख लेना, 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, यही है स्थगन प्रस्ताव, ठीक है? यानी कि अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए। अब यहाँ पे ये 5-6 चीजें आपको याद रखनी ही रखनी है। स्थगन प्रस्ताव से एक अलग क्वेश्चन भी बन सकता है आपके पीटी में, इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है? यह प्रस्ताव, कहाँ गया भाई मेरा मार्कर, ये रहा। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, पीटी लिख लेना, दे देगा। स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है? या और कंफ्यूज करना होगा तो दे देगा कि भाई जो स्थगन प्रस्ताव है वो अविलंबनीय लोक महत्व के विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए पेश किया जाता है, और इस प्रस्ताव को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो क्या सही होगा कि गलत होगा, फटाफट बताओ।
हाँ ये लक्ष्मीकांत ही है, ध्यान रखना लक्ष्मीकांत का नाम नहीं है मैटर, मैंने लक्ष्मीकांत मेरी बेस बुक है, इसके अलावा मैंने मार्केट के कई नोट से भी जो मुझे सही लगा उसको ऐड कर दिया, ठीक है। वेरी गुड, गलत है, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि दे देगा केवल सरकारी सदस्य, यानी कि केवल मंत्री प्रस्ताव को ला सकता है, या केवल सदस्य ही ला सकता है, मंत्री नहीं ला सकता। तो ध्यान रख लेना, संसद का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर 2.5 घंटे से कम की चर्चा नहीं होती, कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा होगी। ये हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां पे इम्पोर्टेंट नहीं था मैंने क्रॉस कटवा दिया था पूरा, कि कोई जरूरत नहीं है, इतना विद्वान नहीं बनना है, परीक्षा पास करनी है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रख लेना। यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जाएगा, संसद का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा होगी, 2.5 घंटे से कम की चर्चा नहीं होती, और सदन की कार्यवाही के लिए कुछ सीमाएं होती है। ये नहीं है कि मुंह उठा के मतलब कोई भी प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव हो सकता है, स्थगन प्रस्ताव की कुछ सीमाएं होती हैं, वो सीमाएं हमें ध्यान रखना जरूरी है। पहली क्या, इसके माध्यम से ऐसे ही मुद्दों को उठाया जा सकता है जो निश्चित तथ्यात्मक एवं अत्यंत जरूरी हो और लोक महत्व, ये नहीं है कि कोई भी मुद्दा हम उठा लेंगे, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से केवल अति महत्वपूर्ण विषय, अति एक तरीके से जो जरूरी, अत्यंत जरूरी जो विषय है, लोक महत्व के जो विषय है, उन्हीं को उठाया जाएगा, पहला पॉइंट, समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इनमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जा सकता। आपको दे देगा कि भाई स्थगन प्रस्ताव के तहत यदि जरूरी हो तो एक से अधिक मुद्दों को भी उठाया जा सकता है। मैंने सही बोला कि गलत बोला, फटाफट बताओ, सही बोला कि बिल्कुल सही बात है, गलत बोला क्यों, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव में एक समय में एक ही विषय को उठाया जाएगा, ठीक है, एक समय में एक ही विषय, एक ही मुद्दे को उठाया जाएगा। दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, यानी मामला बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एक समय में एक ही मामला उठेगा, दो बात क्लियर। तीसरी बात, इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषयों को ही उठाया जा सकता है, ना कि साधारण महत्व के। ये पहली बात को ही क्रॉस कर रहा है, क्या बोल रहा है भाई, केवल साधारण महत्व के विषय को नहीं उठाएंगे, जो नॉर्मल मुद्दा है उसको नहीं उठाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट विषय होगा, अति महत्वपूर्ण विषय होगा, उसी को उठाएंगे। इसके अलावा इसके माध्यम से विशेष अधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता। अब कह दे संसद सदस्य कि भाई हमारे विशेष अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इसके लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाए, तो कहेंगे बैठ जाओ, क्यों, क्योंकि विशेष अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, समझ गए। यानी विशेष अधिकारों के प्रश्न को हल करने के लिए, उन पे चर्चा करने के लिए जो स्थगन प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता है, और इसके माध्यम से ऐसे किसी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जिसका, जिसकी उस सत्र में पहले चर्चा हो चुकी हो। मान लो सत्र में पहले किसी विषय पे चर्चा हो चुकी है, भले ही वो कितना भी इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं कह सकते इस विषय पे स्थगन प्रस्ताव लाओ, तो अध्यक्ष आपको ये कह के रोक देगा कि भाई ये विषय तो उठ चुका है सदन में, तो इसलिए आराम से बैठ सकते हो आप, ठीक है। तो पांच चीजें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, इसके अलावा और भी ध्यान रखना है, भाई मैं बोल रही थी न्यायालय वाला नहीं मिला मुझे, इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जो न्यायालय में विचाराधीन है। मान लो कोई ऐसा विषय है जो न्यायालय में विचाराधीन है, ठीक है, न्यायालय में उस पर विचार हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते, मतलब सांसद ये नहीं कह सकते कि भाई इस पे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो, क्योंकि इस पे तो न्यायालय में ऑलरेडी विचार हो रहा है, ये विचाराधीन है। अगला पॉइंट, इसे पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषयों को पुनः उठाने की अनुमति नहीं है, यानी कि अलग प्रस्ताव के माध्यम से जो विषय पहले उठाए जा चुके हैं उनको स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाने की अनुमति नहीं है।
समझ में आया, रिवाइज कराऊंगी एक बार और, घबराना नहीं है। क्या चल रहा है भाई, नहीं देखती हूं तो कुछ भी चलाओगे हैं? मैम स्थगन प्रस्ताव एक दिन में कितनी बार लाया जा सकता है? अगर एक से अधिक मुद्दा हो, एक से अधिक मुद्दा नहीं, पहली बात ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि ठीक है स्थगन प्रस्ताव के लिए, बस हमें ये ध्यान रखनी है अविलंबनीय महत्व होना चाहिए, लोक महत्व होना चाहिए, 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होना चाहिए। ये नहीं है कि मान लो मैं एमपी हूं और मैं कहूं सदन स्थगन प्रस्ताव लाया जाए, तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए कि भाई ये 6-7 क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, भाई न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, विशेष अधिकार के मुद्दे से संबंधित नहीं है, पहले उस पर चर्चा नहीं हो पाई है, साधारण विषय से संबंधित नहीं है, किसी बहुत इंपॉर्टेंट विषय से संबंधित है। तो जब ये 6-7 क्राइटेरिया पूरा करेगा तो 50 सदस्य समर्थन देंगे, 50 सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे कि ठीक है भाई ऐसा कोई जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाए जिस पे चर्चा जरूरी है होनी, तो फिर ये लाया जा सकेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। स्थगन प्रस्ताव, ये 5-6 क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने हैं। यहां से मैं फिर बता दूं, अलग से पीटी में क्वेश्चन बन सकता है, तैयार रहना। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, मैं हमेशा बताती रहती हूं। इस 75(3) का जिक्र आप नहीं भी तो 50-100 बार सुन चुके होंगे। 75(3) में क्या लिखा है कि भाई भारत में संसदीय प्रणाली है ना, और संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस 75 यहाँ पे 3 लिख देना, में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्री परिषद कब तक अस्तित्व में है, मंत्री परिषद तब तक अस्तित्व में है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। मान लो यदि लोकसभा में विपक्ष को लगता है कि भाई जो सत्ता पक्ष है उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, मान लो गठबंधन की सरकार है, ठीक है, 5-6 दलों ने मिलकर एक सरकार बना रखी है, अब इसमें से मान लो ये 3 दल खिसक गए और सरकार को लगे कि जो विपक्ष को लगे कि भाई जो सरकार है उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो ध्यान रख लेना, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विपक्ष लाता है, किसके खिलाफ लाता है, सत्ता पक्ष के खिलाफ लाता है। इतनी सी बात समझ में आई, अविश्वास प्रस्ताव पर इसे हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, हर जगह के बच्चे तेज होते हैं पढ़ने में, ऐसी बात नहीं है कि केवल एक ही शहर के बच्चे तेज होते हैं। अब पढ़ लो आप, काफी देर से मैं आपको देख रही हूँ, वरना 1 मिनट लगेगा, मैं ब्लॉक करवा दूंगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है, मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। दो चीजें ध्यान रहेंगी, यानी प्रस्ताव कोई अकेला सदस्य नहीं ला सकता, 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। जब विपक्ष को ये लगे कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं है तो वो मौके का फायदा उठा के क्या कह सकती है कि भाई विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देगी। ठीक है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पास कर हो जाता है और ये जो सत्ता पक्ष है ये बहुमत सिद्ध करने में विफल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई बात नहीं राहुल तिवारी, अच्छे से पढ़ाई करो बच्चे, हर जगह के, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है यहाँ पे, हर जगह के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनत, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब पढ़ाई कर ले, समझ में आ गया अविश्वास प्रस्ताव, किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, फटाफट थम्स अप दे दो समझ में आ गया तो। लोकसभा भंग होगी पारित नहीं, क्या बोल रहे हो, लोकसभा भंग होगी पारित नहीं, दोस्त आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई मनोज, बिल्कुल सही बात है आईएएस राज तिवारी, एकदम सही क्वेश्चन पकड़े हैं राज तिवारी, बोल रहे हैं कि भाई अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है, केवल लोकसभा में लाया जाएगा। क्यों, इसीलिए तो आर्टिकल 75
3 में ये बोला गया है कि जो मंत्री परिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भाई जिसे किसी को हटाने का अधिकार होगा, यानी लोकसभा को मंत्री परिषद को हटाने का अधिकार है, तभी तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यसभा को मंत्री परिषद को हटाने का अधिकार नहीं है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने उठाया है, ठीक है। यदि आप लोगों से कोई ये कहे कि भाई अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, तो ये बताइए वो सही होगा कि गलत होगा? फटाफट बताओ, सही होगा कि गलत होगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। फिर बोलेंगे बच्चे मैम आप गलत पढ़ाती है ना, गलत नहीं पढ़ाती, कॉन्फिडेंस बढ़ाती हूँ आपका, समझ गए? अविश्वास प्रस्ताव, अब क्या होगा? अब इस अविश्वास प्रस्ताव के एवज में सत्ता पक्ष सिद्ध करेगा ना विश्वास कि ना 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 हमारे पास ऐसा नहीं है, अविश्वास है, हमारे पास तो पूर्ण बहुमत है। तो कुछ नहीं, अविश्वास प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में विश्वास प्रस्ताव आता है, खंडित जनादेश के परिणाम स्वरूप। मान लो त्रिशंकु संसद आ जाए, अल्पमत सरकार या गठबंधन सरकार आदि परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रक्रियात्मक उपाय के तौर पर विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है। यदि सत्ता पक्ष विश्वास प्रस्ताव पारित करने में सफल होता है, यानी यदि वो ये दिखा दे कि हमारे पास तो पूर्ण बहुमत है, हमारे पास तो पूर्ण बहुमत है, तो क्या होगा? सरकार नहीं गिरेगी, सरकार बची रहेगी। लेकिन यदि ये जो सत्ता पक्ष है ये विश्वास प्रस्ताव पारित करने में असफल हो जाता है, तो क्या होगा? सरकार बनी रहेगी कि गिर जाएगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा प्रिया, ध्यान रखना। इसका एक तरीका होता है, जब हम कोई गलत चीज पढ़ते हैं और उसको सही से सुनते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा दिमाग में स्थायी रहती है, ठीक है, गिर जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो अविश्वास प्रस्ताव समझ गए, विश्वास प्रस्ताव समझ गए। और एक बात ध्यान रख लेना, ये तो सिंपल सी लॉजिकल बात है, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? सत्ता पक्ष तो लाएगा नहीं, विपक्ष लाएगा, है ना। और विश्वास प्रस्ताव फिर प्रत्युत्तर में विपक्ष लाएगा ये दिखाने के लिए कि देखो हम अकेले नहीं है, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, समझ गए होंगे। अब ये धन्यवाद प्रस्ताव पे आते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इम्पोर्टेंट होता है पीटी के लिए। क्या होता है ये धन्यवाद प्रस्ताव? ये पूछा जाता है बेसिकली प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र, मतलब आम चुनाव हर 5 वर्ष में जो चुनाव होता है उसके पहले सत्र तथा वित्तीय वर्ष के पहले सत्र, मतलब जो वर्ष की शुरुआत होती है उसके पहले सत्र, ये 2 ऐसे मौके होते हैं जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण करते हैं। ये अलग से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति जी कब कब अभिभाषण देते हैं सदन के समक्ष। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई 5 वर्ष के बाद जब चुनाव होगा तो आम चुनाव के पहले सत्र और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पिछले वर्ष की और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों और योजनाओं का खाका खींचते हैं। ये बेसिकली राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और यहाँ एक बार पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि जो अभिभाषण होता है, यानी राष्ट्रपति जी जो अभिभाषण देते हैं उसे कौन तैयार करता है? तो उसे मंत्रिमंडल तैयार करती है, ध्यान रख लेना। जो सरकार ने लिख के दे दिया, राष्ट्रपति जी को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे, ज्यादा उनको तैयारी नहीं करके आनी कि आज क्या बोलना है, जो उनको लिखा हुआ मिलेगा वही उनको पढ़ना है, दैट्स इट। और उसमें क्या क्या होता है भाई? पिछले वर्ष की योजनाएं हैं, आने वाले वर्ष की योजनाएं, नीतियों का पूरा एक खाका होता है, धन्यवाद प्रस्ताव। इसी तरीके से राष्ट्रपति के इस संबोधन को हमें पता है ब्रिटेन के राजा के भाषण से हमने लिया है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है और इसी को जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे देते हैं तो दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, इस पर चर्चा होती है, ठीक है। इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है, समझ गए? यानी चुनाव के पहले सत्र, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र,
राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे, सरकार की नीतियों का खाका होगा, सदन के दोनों सदनों में चर्चा होगी, प्रस्ताव पारित होगा, इसे ही धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। अब ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहस हुई, मान लो पूरे उस पे कि भाई क्या सही नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, सही बोला गलत बोला, मान लो बहस के बाद जो प्रस्ताव होता है ना धन्यवाद, उसको मत विभाजन के लिए रखा जाता है कि कौन इसके पक्ष में है कौन इसके विपक्ष में है, मत विभाजन के लिए रख दिया। मत विभाजन का मतलब ही क्या होता है, भाई अपनी अपनी राय बताइए आप, सही है कि गलत है, ठीक है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसका तात्पर्य है सरकार का पराजित होना, ध्यान रख लेना। राष्ट्रपति जो बोलते हैं, अभिभाषण देते हैं, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना होता है। यदि ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, यानी मत विभाजन में इसके पक्ष में ज्यादा मत नहीं आए, तो सरकार पराजित हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, समझ गए। राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा और वाद विवाद के मुद्दे उठाने, त्रुटियों और कमियों हेतु सरकार और प्रशासन की आलोचना करने का अवसर भी देता है। भाई सरकार की नीतियों की बात हो रही है ना, अब आलोचक है विपक्ष है, वो तो कहेंगे कि नहीं भाई आपकी इस नीति में ये खामी है, आपकी इस फलानी नीति में ये खामी है, हम सहमत नहीं है इस बात से। और यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, यदि धन्यवाद प्रस्ताव, मंत्रिमंडल तो अपनी तरफ करवाएंगे, ये तो अपनी गलती को छुपाने का तरीका हुआ, लेकिन क्या उसके बाद पारित होगा ना भाई। अब मान लो पूरे सदन में तो केवल मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल या सत्ता पक्ष के लोग तो बैठे नहीं है, विपक्ष भी बैठे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना बहुत जरूरी है, यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार का पराजित होना तय है, सरकार गिर सकती है, ठीक है। मैं मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, एक मंत्रिमंडल ये है मान लो और मंत्री परिषद ये है, बस। मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है, जो कोर मंत्री गण होते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल का जिक्र पूरे संविधान में केवल एक ही अनुच्छेद में है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन याद आ गया, फिर बताऊंगी डिफरेंस, पहले मुझे ये बताओ पूरे संविधान में केवल एक ही अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का जिक्र है, और ये मंत्रिमंडल का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, फटाफट जो बताएगा उसे लड्डू चॉकलेट टॉफी है, क्या क्या प्रलोभन स्कूल में दिया करते थे ना, चलो बताओ फटाफट। वेरी गुड पूर्णिमा, एम क्रैकर, अमन जी के ट्रिक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। पूरे संविधान में मंत्रिमंडल का जिक्र केवल एक अनुच्छेद में है, और वो अनुच्छेद है, कहाँ गया यार मेरा मार्कर, एक मिनट का टाइम दे दो, वो अनुच्छेद है 352, ठीक है, कि जब मंत्रिमंडल की लिखित सहमति पर ही क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लाया जा सकता है, केवल प्रधानमंत्री के कहने पे नहीं, समझ गए, बहुत ही बढ़िया। शुभ सौरभ बोल रहे हैं मैम लड्डू, ठीक है, समझ गए। यानी मंत्रिमंडल क्या होती है दोस्त, बिल्कुल जो चुनिंदा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, महिला बाल विकास, जो मेन मंत्री, मंत्री परिषद में फिर आपके मंत्रिमंडल भी आ जाएगा, राज्य मंत्री भी आ जाएंगे, उप राज्य मंत्री भी आ जाएंगे, स्वतंत्र प्रभार वाले भी मंत्री आ जाएंगे, समझ गए। बिल्कुल, मंत्री परिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो धन्यवाद प्रस्ताव मैंने करा दिया आप लोगों को, और ये आपको ध्यान होना चाहिए, धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। ये अनियत दिवस नाम से ही स्पष्ट है भाई, एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसे अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि के निर्धारित रख सकता है, कार्य मंत्रणा कोई जरूरी नहीं है इसको याद करने की, अनियत दिवस को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। विलंबकारी प्रस्ताव, इसमें क्या होता है, यह किसी विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प पर जारी बहस अथवा चर्चा का स्थगन प्रस्ताव है, अथवा सदन के विचारार्थ किसी कार्य की प्रगति को धीमा करने और विलंबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव है। इसे थोड़ा सा देख सकते हो क्या होता है, विलंब से ही समझ गए ना, थोड़ा सा रोकना, विलंब, यानी यह किसी विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प पर जारी बहस अथवा चर्चा का स्थगन प्रस्ताव है। भाई किसी विधेयक पे बहस चल रही है, प्रस्ताव पे बहस चल रही है, संकल्प पे बहस चल रही है, उस
का स्थगन, उसको रोकने का प्रस्ताव है एक तरीके से, अथवा सदन के विचारार्थ किसी कार्य की प्रगति को धीमा करने अथवा विलंबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव है कि अभी इस विधेयक पर, इस प्रस्ताव पे, इस संकल्प पे जो चर्चा हो रही है उसको रोक दिया जाए या उस पे विलंब किया जाए। यह किसी, अब कई बच्चे बोलेंगे कि यह प्रस्ताव क्यों लाया जाएगा, तो भाई यह किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव के पेश होने के बाद किसी भी समय लाया जा सकता है। मान लो कोई प्रस्ताव आया, उस पे चर्चा हो रही है, तो उस चर्चा पर विलंब, यानी विलंबकारी प्रस्ताव पर चर्चा इस प्रस्ताव में अंतर्निहित विषय पर ही सीमित रखी जा सकती है। बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी उलझना नहीं है। पूरी संसद की प्रक्रिया को हम और अच्छे से तब समझेंगे जब एमपी बनेंगे। आईएएस की परीक्षा में पूरी प्रोसेस का काम नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं आने वाला। ठीक है भाई, बढ़िया है, समझ गए। यानी विलंबकारी प्रस्ताव यही होता है। औचित्य प्रश्न देख लेते हैं, औचित्य प्रश्न को विलंबकारी मोटे तौर पे समझ गए। औचित्य का मतलब क्या होता है कि जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करती, मान लो जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो एक सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। सिंपल सी बात है भाई, जब सदन सामान्य नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा है ना, और सदस्य को ये लगता है कि भाई नियमों के अनुसार संचालन होना चाहिए सदन का, तो फिर वो औचित्य प्रश्न के माध्यम से इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है कि भाई जो सदन की कार्यवाही है वो आवश्यक नियमों के अनुसार नहीं चल रही है। यही है औचित्य प्रश्न। यह सदन का ध्यान आकर्षित करने की एक असाधारण युक्ति है, क्योंकि यह सदन की कार्यवाही को समाप्त करती है कि सदन का कार्य नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है। औचित्य प्रश्न में यद्यपि किसी तरह की बहस की अनुमति नहीं होती, बस प्रस्ताव लाया जाएगा, समझ गए। यानी जब संसद की जो कार्यवाही है वो नियमों के अनुसार नहीं चल रही हो, तो संसद का कोई भी सदस्य औचित्य प्रश्न ला के सदन का जो ध्यान है इस तरफ आकर्षित कर सकता है। यही है औचित्य प्रश्न। आधे घंटे की बहस ये पढ़ने के लिए जरूरी है। ये की बहस क्या होता है, लोक महत्व के मामले आदि पर चर्चा के लिए होती है। अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकता है। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता। मतलब जब सदन को लगेगा कि भाई कोई लोक महत्व का विषय है तो उसपे आधे घंटे की चर्चा हो सकती है, बाकी आप लोग समझदार हो, आधे घंटे में क्या चर्चा होगी। बस संसद के नियम है, ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भाई आधे घंटे की जो चर्चा का प्रोविजन है वो अध्यक्ष यदि चाहे तो हफ्ते में 3 दिन इसका 3 दिन इसके लिए निर्धारित कर सकते हैं। ये सारी पावर होती है अध्यक्ष के पास कि हाँ भाई हमने ये सोम मंगल बुध मान लो हफ्ते के 3 दिन डिसाइड कर दिए और हम जो है इसमें आधे घंटे की बहस करेंगे किसी लोक महत्व के विषय पर। इसके बाद अल्पकालीन चर्चा होती है। आधे घंटे की चर्चा समझ गए, यहां तक दिक्कत है किसी को? सही बोल रहे हैं मनीष, सही बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है मैम। विलंबकारी प्रस्ताव का एग्जाम्पल बताइए प्लीज। विलंबकारी प्रस्ताव कहां गया, विलंबकारी प्रस्ताव, मान लो किसी प्रस्ताव पे बहस हो रही है, इसका एग्जाम्पल तो मुझे नहीं ध्यान है, ठीक है, लेकिन मान लो किसी प्रस्ताव पे बहस हो रही है, उसको रोकने का, मान लो कि उसमें कुछ एड ऑन करना चाहता है कोई सदस्य, उस विधेयक में कुछ और बात एड ऑन करना चाहता है, तो वो क्या स्थगन प्रस्ताव, इस विलंबकारी प्रस्ताव के माध्यम से उसको कुछ समय के लिए रोक सकता है। ठीक है अभिषेक। अल्पकालीन चर्चा, ये 2 घंटे की, इस अल्पकालीन चर्चा को 2 घंटे की, 2 आवर्स की चर्चा भी बोलते हैं, 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता। अच्छा, संसद सदस्य किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले में बहस के लिए रख सकते हैं और अध्यक्ष 1 सप्ताह में इस पर बहस के लिए 3 दिन उपलब्ध करा सकता है। ध्यान रख लेना, जैसे आधे घंटे की बहस के लिए अध्यक्ष सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध करा सकते हैं, इसी तरह अल्पकालीन चर्चा, इसलिए आपको ध्यान रखना है अल्पकालीन चर्चा दे देगा कितने घंटे की होती है, 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 घंटे के लिए होती है अल्पकालीन चर्चा, और ये माना गया है कि इस तरीके की चर्चाओं पे 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता।
ठीक है, और अध्यक्ष अल्पकालीन चर्चा के लिए सप्ताह में 3 दिन डिसाइड कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। अल्पकालीन चर्चा किसी विशेष लोक महत्व के विषय पे होगी, ठीक है, सार्वजनिक महत्व के विषय पे होगी, 2 घंटे से अधिक की नहीं होगी। दो चीजें ध्यान रखनी है, संकल्प में अभी आप मत उलझो, संकल्प और प्रस्ताव इसको ना मैं एक मैप के माध्यम से कराऊंगी 1-2 दिन बाद, ठीक है, हालांकि अभी आप पढ़ सकते हो, मैं बता भी सकती हूँ, लेकिन एक मैप के माध्यम से दोनों में डिफरेंस करते हुए कराऊंगी तो ज्यादा दिमाग में चीजें जाएंगी। युवा सांसद कुछ नहीं होती है, युवा संसद, समझ में आ रही है चीजें, थोड़ा संसद है दोस्तों, इसमें ना आपको बस छोटी छोटी चीजें एक बार देखनी है। अच्छा, अल्पकालीन चर्चा जैसा कुछ होता है, 2 घंटे की चर्चा होती है, अध्यक्ष 3 दिन डिसाइड कर सकते हैं, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पे चर्चा होगी, तो इसी इस तरीके की चीजें हमें देखनी है। एक आता है युवा संसद, युवा संसद की योजना 4th अखिल भारतीय विप सम्मेलन की अनुशंसा पे आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है, युवा पीढ़ी को संसद की कार्यवाही से अवगत कराना, छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को समझाता है ताकि उन्हें लोकतांत्रिक संस्थानों के कार्य की सही जानकारी मिल सके, ठीक है, यही है एक तरीके से युवा संसद। इसमें भी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अब हम आएंगे सदन की विधायी प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कई तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। मुझे एक बार थम्स अप दे दो और ये बता दो, संकल्प वाला टॉपिक हमारा बचा है, संकल्प और प्रस्ताव दोनों की तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा स्थायी रहेगा। फटाफट फटाफट थम्स अप दे दो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बस एक काम करते रहना है, आपको पता है क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है, चलो आराम से पढ़ेंगे। सदन में विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया का क्या मतलब है, ये पूरी कैसे कानून बनता है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको, मैं इस मोड में बोल सकती हूँ ना, मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोल रही हूँ तो मेरा गला दर्द कर रहा है, मुझे एक बार बता दो, मैं इस मोड में बोल रही हूँ तो आपको आवाज आ रही है ना, सुन पा रहे हो मुझे अच्छे से, ठीक है, ठीक। देखो, सदन में विधायी प्रक्रिया यानी कानून बनाने की पूरी प्रोसेस, यानी विधि बनाने की पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे, ठीक है। विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। हमको पता है कि भाई विधायी जो प्रोसेस है, कोई भी कानून, ये फंडे एकदम क्लियर करते हुए चलना है कि कोई भी कानून अकेले कोई भी एक सदन नहीं बना सकता है। यदि आप सोचो कि लोकसभा अकेले कानून बना लेगा तो ना जी ना, नहीं बना सकता। राज्यसभा अकेले कानून बना लेगी तो ना जी ना, नहीं बना सकती। दोनों सदन मिलके ही किसी कानून को बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, यानी विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। सामान्य तौर पे 3 चरण होते हैं किसी भी विधेयक के, वो मैं बताऊंगी। इतनी बात अपने दिमाग में फिक्स रखनी है कि कोई भी कानून, कोई भी जो विधेयक है वो कानून बनता है कब, जब दोनों सदनों में एक निश्चित प्रक्रिया का पालन होता है, ठीक है। ना अकेले लोकसभा कानून बना सकती है, ना अकेले राज्यसभा कानून बना सकती है। इनफैक्ट ना लोकसभा राज्यसभा मिलके भी कोई कानून नहीं बना सकती, फिर भी किसी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है मुझे बताओ फटाफट। वेरी गुड अंकिता, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। इसीलिए संसद जो हम पढ़ते हैं ना कि संसद किससे मिलके बनती है, तो संसद राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से मिलके बनती है। लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक पारित हुआ तो वो सहमति के लिए जाएगा कहाँ, राष्ट्रपति के पास। बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिया, ये इतना समझ गए। दूसरा, संसद में पेश होने वाले विधेयक 2 तरह के होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। इतना तो मैंने कल समझाया था कि भाई सरकारी विधेयक वो होते हैं जो किसी मंत्री के द्वारा लाए जाए, है ना, सरकारी विधेयक वो होते हैं कि भाई सदन में किसी मंत्री के द्वारा कोई विधेयक लाया जाए, और गैर सरकारी विधेयक वो होते हैं जो मंत्री के अलावा अन्य जो संसद के सदस्य होते हैं वो विधेयक लाएं। इतना भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, यानी सरकारी विधेयक मंत्री लाएगा, गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा अन्य संसद के सदस्य लाएंगे।
यद्यपि दोनों समान प्रक्रिया के तहत सदन में पारित होते हैं, सीधी सी बात है, भले ही अब आप लोगों से ये कह देगा कि भाई जो सरकारी विधेयक होता है उसके पारित होने की प्रक्रिया अलग होती है, तो गलत हो जाएगा। कोई भी विधेयक, चाहे सरकारी विधेयक हो चाहे गैर सरकारी विधेयक हो, दोनों के पारित होने की प्रक्रिया समान होगी, समान प्रक्रिया के तहत पारित होंगे, किंतु उनमें विभिन्न प्रकार का अंतर होता है। ये तालिका इसमें दी नहीं गई है, मैं आप लोगों को एक तालिका के माध्यम से बता दूंगी नॉर्मली सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर होता है, लेकिन उनको पारित करने की प्रक्रिया अलग होती है। और जो मेन अंतर होता है वो मैं बता चुकी हूँ कि भाई एक मंत्री लाते हैं तो सरकारी विधेयक, मंत्री के अलावा कोई संसद के सदस्य लाते हैं तो गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। अब संसद में विधायी प्रक्रिया को देखेंगे। देखो चार तरीके के विधेयक होते हैं, एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक आप सबको पता है क्या, वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित जो विषय होते हैं, वित्तीय विषयों को छोड़ के बाकी जो भी विषय होते हैं वो साधारण विधेयक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। धन विधेयक, ये वित्तीय विधेयक, मतलब ये जो विधेयक है वित्तीय विषयों जैसे कि कर आरोपण हो गया, लोक व्यय हो गया इत्यादि से संपन्न होंगे, जो धन से संपन्न है, जो धन से संबंधित है वो सारे आ जाएंगे धन विधेयक में। एक वित्त विधेयक होता है, ये विधेयक भी वित्तीय विषयों से ही होते हैं किंतु धन विषयों, धन जो विधेयक है उनसे थोड़े से भिन्न होते हैं। इसकी भी दो श्रेणियां होती हैं, ये मैं सारी चीजें कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अभी तक इतना समझ में आया कि भाई एक साधारण विधेयक हो गया, एक धन विधेयक हो गया, एक वित्त विधेयक हो गया और एक संविधान संशोधन विधेयक हो गया। ये विधेयक संविधान के उपबंधों में संशोधन करने से संबंधित होते हैं। जब संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू होगी उसे हम कहेंगे संविधान संशोधन विधेयक। मुझे ये बता दो यहां तक दिक्कत नहीं किसी को, तो मैं आगे प्रोसेस में बढ़ती हूं। क्या चल रहा है आप लोगों का? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपस में ही एक तरीके से बातचीत चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन काफी सारे बच्चे सुन रहे हैं, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे विधायी प्रक्रिया। आज हम पढ़ेंगे साधारण विधेयक के विषय में क्या प्रोसेस होती है, साधारण विधेयक के विषय में क्या प्रोसेस होती है। प्रत्येक साधारण विषय विधेयक सांविधिक पुस्तक में स्थान पाने से पहले सदन में 5 चरणों से गुजरता है। बेसिकली क्या, प्रथम पाठन हमें ध्यान रखना है, पहला पाठन सबसे पहले क्या होगा, प्रथम पाठन इसको बोलते हैं, क्या होता है साधारण विधेयक। पहली बात तो हमें ये पता है कि भाई साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, यहां तक डाउट नहीं है। जैसे हमको ये पता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा, धन कहां लिखूं यार, यहां पे लिखती हूं, धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा, लेकिन साधारण जो विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है वो लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी आ सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कहां गया, तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यह विधेयक मंत्री भी ला सकते हैं और सदस्य भी ला सकते हैं। ये दोनों चीजों में क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए बिल्कुल, कि भाई साधारण विधेयक इज इक्वल टू लोकसभा में भी आ जाएगा, राज्यसभा में भी आ जाएगा, और साधारण विधेयक को सरकारी सदस्य यानी मंत्री भी ला सकते हैं और गैर सरकारी सदस्य यानी सांसद भी ला सकते हैं। आकाश, धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये पूरी चीजें मैं कराऊंगी, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे ना दोस्त। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक, उसमें भी दो श्रेणियां होती हैं, वित्त विधेयक श्रेणी क, वित्त विधेयक श्रेणी ख, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी साधारण विधायी प्रोसेस को आप समझ लो, ठीक है। अक्षत, आकाश सॉरी आपका नाम मैंने गलत पढ़ा, ठीक है, समझ गए। अब जब कोई सदन सदस्य में, जब कोई सदस्य मतलब सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन को इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है कि भाई मैं ये फलाना जो ये जो विधेयक है ये पेश करना चाहता हूँ, ये है इसकी सूचना, तो अग्रिम सूचना दे दी। जब सदन इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जब अनुमति दे देगा तो प्रस्तुतकर्ता इस विधेयक पर अपनी
विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती तो वो प्रस्तुत कर देगा, लेकिन प्रथम पाठन में ध्यान रख लेना दे देगा आप लोगों को ऑप्शन। यहाँ से एक एक लाइन का क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पाठन में विधेयक, साधारण विधेयक के प्रथम पाठन में विधेयक पर खंडवार चर्चा होती है। बताओ मैंने सही बोला कि गलत बोला, फटाफट। प्रथम पाठन में विधेयक पर खंडवार चर्चा होती है, सही बोला कि गलत बोला? राजनंदिनी वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान रख लेना प्रथम पाठन में, पहले पाठन में उस विधेयक पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती, पीटी लिख लेना। समझ गए दो चीजें? अब क्या होगा, इसके बाद विधेयक को भारत के राजपत्र में जैसे ही अनुमति मिल गई विधेयक को पारित, विधेयक को लाने की, तो फिर इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले, वो एक अलग बात है, मतलब पहले ही राजपत्र में प्रकाशित है तो फिर अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ये बस ध्यान रख लेना यहाँ पे पीटी कि विधेयक का प्रस्तुतीकरण और उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाता है, पीटी लिख लेना। यानी कि विधायी प्रक्रिया चल रही है किसी भी साधारण कानून को बनाने की, साधारण विधेयक को लागू करने की, तो जो प्रथम पाठन होगा, पहला पाठन होगा, उसमें केवल विधेयक का प्रस्तुतीकरण होता है और राजपत्र में प्रकाशन होता है, दैट्स इट। आपको दे दे कि इसमें मतदान होगा, इसमें खंडवार चर्चा होगी, तो वो सब गलत हो जाएगा। प्रथम पाठन, समझ गए आप? मुझे एक मिनट का टाइम दे दीजिए, पहले मुझे बताओ यहां तक समझ गए? ठीक है, चलो। यानी केवल प्रस्तुतिकरण और राजपत्र में। अब होगा द्वितीय पाठन, इसमें क्या होगा, सारा काम किसी भी विधेयक का इसी द्वितीय पाठन में होता है, सारा काम। इस चरण में विधेयक की ना केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है, खंडवार, एक एक खंड की समीक्षा की जाएगी। ठीक है, यानी जो द्वितीय वाचन होता है, द्वितीय पाठन होता है, इसमें विधेयक की सामान्य ही नहीं विस्तृत समीक्षा की जाती है और विधेयक को अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाता है, फाइनल। एक तरीके से जो फाइनल किस रूप में होगा विधेयक, ये सारा काम कर दिया जाता है दूसरे वाचन में। पहले वाचन में तो समझ गए आप, मैं रिवाइज भी कराऊंगी, घबराना नहीं, समझ गए? यानी विधेयक को प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से ये सबसे इंपॉर्टेंट चरण है। दे देगा कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चरण है किसी विधेयक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई जब विधेयक पे चर्चा होगी, जब विधेयक को फाइनलाइज किया जाएगा, तो ये जो दूसरा वाचन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वास्तव में इस जो चरण होता है, ये जो दूसरा पाठन होता है, इसके तीन उपचरण होते हैं, अलग अलग तरीके से काम होगा। एक तो साधारण बहस होगी, मान लो ये जो विधेयक आया है इस पे बहस होगी साधारण, भाई इस विधेयक का पक्ष, मान लो कृषि कानून आया, भाई इसका पक्ष क्या, अब कृषि कानून तो अध्यादेश के तौर पे आया, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी कानून, कि भाई इसका पक्ष क्या है, इसका विपक्ष क्या है, इसको लागू हो गया तो ये फायदे होंगे, लागू नहीं हुआ तो ये, तो इस तरीके की सामान्य बहस की अवस्था होती है। दूसरी होती है बहस के बाद समिति द्वारा इसकी जाँच की जाएगी, समिति जाँच करेगी कि भाई क्या क्या इसमें सही चीजें हैं, क्या क्या गलत चीजें हैं, गलत चीजों को पता लगे उड़ा दिया गया और एक दो चीजों को शामिल कर लिया गया, और एक होती है विचारणीय अवस्था। यानी साधारण बहस की अवस्था में क्या होगा, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, साधारण बहस की अवस्था में विधेयक की छपी हुई जो प्रतियां हैं वो सभी सदस्यों को बांट दी जाती है कि भाई ले, ये लीजिए सब लोग प्रतियां पढ़ लो, ये विधेयक है, ये इसके जो भी प्रावधान होंगे। ठीक है, सारी जो प्रतियां हैं सदस्यों को वितरित कर दी जाती है। सामान्यतः विधेयक के सिद्धांत और उपबंधों पर चर्चा होती है, जो विधेयक के सिद्धांत है और जो उपबंध है, प्रोविजन है, उन पे चर्चा होती है साधारण बहस की अवस्था में। लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं किया जाता, केवल चर्चा होती है। ठीक है, साधारण बहस की अवस्था, बहस होगी, साधारण बहस होगी विधेयक के रिकमेंडेशन पे, सिद्धांतों पर। सदन निम्न चार में से कोई कदम उठा सकता है, क्या करेगा सदन? पहला,
इस पर तुरंत चर्चा कर सकता है या इसके लिए अन्य तिथि नियत कर सकता है। मान लो साधारण बहस की अवस्था में प्रतियां बांट दी, अब ऐसा तो है नहीं प्रतियां बांटते ही सब ने पढ़ लिया उस प्रतियों को, तो या तो तुरंत चर्चा कर सकता है या फिर साधारण बहस करने के लिए कोई दिन डिसाइड कर देगा। दूसरा, प्रवर समिति को सौंप सकता है। चर्चा मान लो सदन के बस से बाहर है, मान लो कोई टेक्निकल विधेयक है, तो वो किसी प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है और दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भी सौंपा जा सकता है और जनता को जानने के लिए सार्वजनिक भी किया जा सकता है, भाई जनता का विचार जानने के लिए। चार काम हो गए, संसद चार काम कर सकती है। बहस के लिए कोई तिथि नियत कर सकती है, प्रवर समिति को भेज सकती है, संयुक्त समिति को भेज सकती है, जनता के सामने रख सकती है विचार जानने के लिए। यहां तक समझ में आया? इसमें भी आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ये तो आप पूरी विधायी प्रोसेस समझ लो, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ में आ गया। अब दो चीजें ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पीटी लिख लेना। प्रवर समिति में कौन होता है, संयुक्त समिति में कौन होता है? प्रवर समिति उस सदन के सदस्य होते हैं जहां विधेयक लाया गया था, ध्यान रख लेना। मान लो यदि विधेयक लाया गया है लोकसभा में, तो प्रवर समिति में किसके सदस्य होंगे? मान लो यदि विधेयक लाया गया है लोकसभा में, तो मुझे ये बताओ प्रवर समिति में किसके सदस्य होंगे? वेरी गुड। प्रवर समिति का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो समिति उस सदन के सदस्यों से मिलके बनती है जिस सदन में वो विधेयक लाया गया होता है। मान लो राज्यसभा में कोई विधेयक आएगा, तो राज्यसभा के कुछ लोगों को मिला के एक समिति बना देंगे, उस समिति को बोलते हैं प्रवर समिति, ठीक है? यदि राज्यसभा में विधेयक आया तो राज्यसभा के सदस्यों को मिला के समिति बना देंगे, प्रवर समिति हो जाएगी। लोकसभा में विधेयक आया तो लोकसभा के सदस्यों को मिला के समिति बना देंगे, उसे प्रवर समिति कहेंगे। या फिर हम संयुक्त समिति, संयुक्त नाम से ही अर्थ समझ गए, यानी संयुक्त समिति दोनों से मिलके बनेगी, केवल एक सदन की समिति नहीं होती, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, समझ गए? प्रवर समिति में केवल एक दल के सदस्य होंगे जिस सदन में वो विधेयक आया है, और संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होंगे, कंबाइंड होंगे, बिल्कुल सही बात। अब समिति की अवस्था में क्या होगा? पहली अवस्था देख ली, साधारण बहस की अवस्था। साधारण बहस की अवस्था समझ लिया आपने, क्या क्या होगा साधारण बहस की अवस्था में? या तो तिथि डिसाइड कर देंगे, या बहस करने के लिए प्रवर समिति के पास भेज देंगे, या बहस करने के लिए संयुक्त समिति के पास भेज देंगे, या फिर जनता के समक्ष रख देंगे। साधारण बहस की अवस्था जो पहला चरण है, मुझे ये बताओ यहां तक दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं, आगे क्या होता है? ठीक है, अब आगे क्या होता है? समिति के पास गया, सामान्यतः विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। मान लो लोकसभा कोई विधेयक लाई है तो उसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। अब ये समिति क्या करेगी? इस समिति का काम होगा विस्तार पूर्वक विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। विधेयक के हर एक बिंदु पे विचार करने का काम इस समिति का होता है, लेकिन वह इसके मूल विषय में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये पीटी लिख लेना, जो इंपॉर्टेंट है ना वह मैं बता रही हूं आपको। यानी कि समिति विधेयक के ऊपर खंडवार चर्चा करेगी, ये बात सही है, लेकिन समिति को जो विधेयक का मूल विषय था, मान लो मूल विषय है महिला सशक्तिकरण फॉर एग्जाम्पल, तो वो मूल विषय में परिवर्तन नहीं कर सकती। विधेयक के विषयों पे खंडवार चर्चा करेगी, लेकिन मूल विषय में वो संशोधन नहीं कर सकती। समीक्षा और परिचर्चा के उपरांत समिति विधेयक को वापस सदन को लौटा देती है। जब उस पे समीक्षा हो गई, खंडवार चर्चा हो गई, सारे प्रोज एंड कॉन्स दिख गए, भाई क्या इसके लाभ है, क्या इसकी हानि है, तो फिर वो उसको सदन को लौटा देगी। यही है क्या समिति की अवस्था। और फाइनल होता है विचार विमर्श की अवस्था। प्रवर समिति से विधेयक प्राप्त होने के पश्चात सदन द्वारा विधेयक के समस्त उपबंधों की समीक्षा की जाती है और विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा और यहाँ पे मतदान होता है, मतदान होता है, ठीक है? तृतीय पाठन समझ गए। अब दूसरे पाठन में क्या हुआ? फाइनल जितने भी विधेयक के ऊपर खंडवार चर्चा हुई, समिति द्वारा जो खंडवार चर्चा हुई, भले ही मूल विषय में परिवर्तन नहीं होगा, और फाइनली मतदान होगा हमारा द्वितीय वाचन में। अब तृतीय वाचन में क्या होगा, तृतीय पाठन में क्या होगा?
इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है, दैट्स इट। तृतीय वाचन में केवल ये बात तय होगी कि भाई विधेयक को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, तथा विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। पीटी लिख लेना, दे देगा। साधारण विधेयक के मामले में जो तृतीय वाचन होता है उसमें यदि सदन चाहे तो विधेयक में संशोधन कर सकता है, ठीक है, संशोधन कर सकता है। तो ध्यान रख लेना, संशोधन नहीं कर सकता, केवल तृतीय वाचन में या तो उस पर स्वीकृति होगी या फिर उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। इसके उपरांत उस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधेयक पर विचार और स्वीकृति के लिए दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। समझ गए प्रोसेस? तीन वाचन हमने देख लिया। प्रथम वाचन में क्या हुआ? प्रथम वाचन में कहा गया केवल विधेयक का प्रस्तुतीकरण और राजपत्र में प्रकाशित होता है, बस इतनी ध्यान रखना है। पूरी रामायण मैंने सिर्फ इसलिए समझाई ताकि आपके दिमाग में खाका बैठ जाए। प्रथम वाचन में बस इतना ध्यान रखना है, विधेयक का प्रस्तुतीकरण राजपत्र में प्रकाशित। दूसरे वाचन में हमें ध्यान रखना है कि भाई साधारण बहस की अवस्था, समिति की अवस्था और विचारणीय अवस्था, जिसमें समिति की अवस्था में खंडवार चर्चा करती है और उसपे मतदान हो जाता है, फाइनल जो ड्राफ्ट बन जाता है यहाँ पे। और तीसरे वाचन में केवल स्वीकार या अस्वीकार होगा, कोई संशोधन नहीं होगा। मुझे ये बता दो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? समझ गए? कैसे होगा कुछ ऐड या संशोधन करना हो तो? जो भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जीके ट्रिक, ध्यान रख लेना, जो भी संशोधन करना हो, परिवर्तन करना हो ना, तो यहाँ पे होगा, दूसरे सदन में। यहाँ पे ये मत समझना कि उसमें संशोधन नहीं हो सकता, संशोधन हो सकता है, केवल मूल कहाँ गया, विधेयक में कोई संशोधन तीसरे वाचन में नहीं किया जाएगा, ये था ना, विस्तार पूर्वक खंडवार चर्चा करती है, इम्पोर्टेंट विषयों में संशोधन भी हो सकता है, लेकिन मूल विषय में संशोधन नहीं हो सकता। मतलब अगर महिला सशक्तिकरण का विधेयक है तो विधेयक तो महिला सशक्तिकरण का ही रहेगा, भले ही उसके प्रोविजंस में जो द्वितीय वाचन की चर्चा हो रही है उसमें कुछ संशोधन हो जाए। समझ गए? जितना भी ये संशोधन, खंडवार चर्चा, लाभ हानि का कैलकुलेशन, सारा द्वितीय वाचन में होगा। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण विधायी प्रक्रिया के लिए कौन सा वाचन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन? मुझे फटाफट बताओ कौन सा वाचन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेरी गुड, ठीक है, यही दो तीन चीजें ध्यान रखनी है भाई, पहले चरण में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में स्वीकृत होगा या अस्वीकृत होगा, बस। अब दूसरे सदन में गया विधेयक, मान लो एक सदन में पारित हो गया, मान लो लोकसभा में पारित हो गया या राज्यसभा में पारित हो गया, दूसरे सदन में गया विधेयक, दूसरे सदन में क्या होगा, एक सदन से पारित होने के उपरांत दूसरे सदन में भी विधेयक पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन होंगे, सेम प्रोसेस होगी, पहला, दूसरा और तृतीय वाचन होगा। इतनी मुश्किल से कोई भी कानून बनता है? ये फिर राजपत्र में प्रकाशित होगा, द्वितीय वाचन में समिति द्वारा उस पर खंडवार चर्चा होगी, सारी चीजें होंगी, यदि कोई संशोधन का प्रस्ताव है तो वो पेश किया जाएगा, ठीक है, तीसरे में फिर स्वीकृत या अस्वीकृत होगा। समझ गए? तीनों वाचन होंगे। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष चार विकल्प होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला, यह विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है। मान लो दूसरे सदन को कोई दिक्कत ही नहीं है, ये क्या करेगा, जिस रूप में पहले सदन ने पारित किया था उसी रूप में दूसरे सदन को भेज देगा, कहेगा ओके जी, बिल्कुल सही आपने विधेयक बनाया है, हम सहमत हैं आपसे। समझ गए? पहला विकल्प है, सहमत है पूरी तरीके से। दूसरा क्या होगा, यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन के पास भेजेगा। दूसरा सदन कहे कि भाई वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा संशोधन हो जाना चाहिए, तो ये जो दूसरा सदन क्या करेगा, उस संशोधन के प्रस्ताव के साथ पहले सदन को भेजेगा कि जी पहले सदन जी सुन लो ध्यान से, आपने विधेयक तो ठीक बनाया है, लेकिन इसमें ये छोटा सा संशोधन हो जाए तो बात सोने पे सुहागे वाली हो जाएगी। समझ गए? दूसरा विकल्प ये है,
पहला विकल्प एज इट इज पारित कर दिया, दूसरा विकल्प कुछ संशोधन के साथ पारित करके पहले सदन को भेज दिया, तीसरा विकल्प बिल्कुल ही ना एकदम भी एकदम नहीं मानेंगे ही नहीं हम, एकदम अस्वीकार कर दिया, समझ गए, जड़ से अस्वीकार कर दिया बिल्कुल, ठीक है। और चौथा विकल्प यह विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही ना करके उसको लंबित कर सकते हैं, कुछ नहीं बोलेगा, ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा, उसको रख लेगा। अब मुझे ये बताओ साधारण विधेयक की अवस्था में राज्यसभा कितने समय तक विधेयक को लंबित रख सकती है? राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पे, विधान परिषद की बात नहीं हो रही। शिव फटाफट छह महीने 14 दिन धन विधेयक के संबंध में होता है, ध्यान रख लेना। मैंने बोला था साधारण विधायी प्रोसेस में, साधारण विधायी प्रक्रिया में ये 6 महीने तक लंबित रख सकती है, 6 महीने तक। 4 ऑप्शन समझ गए, या तो कंप्लीटली हाँ है, या कुछ संशोधन के साथ भेज दिया, या कंप्लीटली ना है, या ना कहेंगे ना हाँ कहेंगे, 4 विकल्प होते हैं, समझ गए यहां तक? वेरी गुड वेरी गुड। 180 दिन, अब 6 महीने में कितने दिन होते हैं देख लेना, अलग ही लेवल है लेकिन, ठीक है। अब क्या हुआ यदि दूसरा सदन, मान लो जिसको भेजा था किसी प्रकार के संशोधन के साथ विधेयक पारित करता है, मान लो लोकसभा ने पारित किया था राज्यसभा को भेजा था, राज्यसभा ने कुछ संशोधन करके लोकसभा को वापस भेज दिया, जी लोकसभा जी थोड़ा सा संशोधन कर लो, यदि लोकसभा किसी प्रकार के संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर देता है, यानी राज्यसभा की बात को मान लेता है लोकसभा, या प्रथम सदन उन संशोधनों को स्वीकार कर लेता है, तो विधेयक क्या होगा, दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा कि भाई एक सदन ने भेजा, दूसरा सदन कह रहा है जी थोड़ा संशोधन कर लो, और दूसरे सदन ने कह दिया हाँ जी आपकी बात ठीक थी, हम कुछ संशोधन कर लेते हैं, और उसने भी पारित कर दिया उन संशोधनों के साथ, तो क्या होगा, विधेयक पारित माना जाएगा ना। और जैसे ही विधेयक दोनों सदनों द्वारा यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा द्वारा पारित हो गया, तो ये किसके पास चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा स्वीकृति के लिए, ठीक है, समझ गए। अब यदि दूसरे सदन द्वारा किए गए संशोधन को पहला सदन अस्वीकार कर देता है, कहता ना हम तो नहीं मानेंगे, हमने तो इतनी मुश्किल से पारित करके भेजा है, आप संशोधनों की झड़ी लगा रहे हो, हम तो नहीं मानेंगे आपके संशोधनों को, तो क्या होगा, या दूसरा सदन विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर देता है, भाई पहले दूसरे सदन ने संशोधन की आग्रह किया था, पहले सदन ने नहीं माने, या दूसरे सदन ने पूरी तरीके से अस्वीकार भी नहीं, वो थे ना 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 गोरी है, तो एकदम ना बिल्कुल ना, तो क्या होगा, द्वितीय सदन विधेयक को पूर्ण रूपेण अस्वीकृत कर देता है, या द्वितीय सदन 6 महीने तक कुछ भी नहीं करता, ना हाँ कहता ना करता, तो क्या हुआ भाई, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई ना, कुछ हो ही नहीं रहा है उसपे। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, पहले कंडीशन में पास हो जाएगा, दूसरी कंडीशन में संशोधन के लिए बोला मना कर दिया, पूरी तरीके से अस्वीकृत कर दिया दूसरे सदन ने, 6 महीने तक उस विधेयक पे कोई कार्यवाही नहीं की, तो बताओ गतिरोध उत्पन्न हो गया। थैंक यू आकाश, समझ गए। अब क्या होगा, अब होगा इस तरीके के गतिरोध को समाप्त करने हेतु राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यही 4 प्रकार के गतिरोध होते हैं, ये जो गतिरोध होने 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत, एक तो ये बात हो गई कौन संयुक्त बैठक बुलाएगा, ऑप्शन दे देगा लोकसभा का अध्यक्ष, तो ध्यान रख लेना पीटी लिख लेना, यदि इस तरीके का गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ठीक है। यदि उपस्थित एवं मतदान देने वालों के बहुमत इस संयुक्त बैठक से विधायक, तो एक क्वेश्चन 2018 में ये पूछा था कि संयुक्त बैठक में कोई भी विधेयक कितने बहुमत से पारित होता है, तो ध्यान रख लेना साधारण बहुमत, संयुक्त बैठक हुई, संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा बैठे, ये बताओ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष करेगा? वेरी गुड देवेंद्र, वेरी गुड वेरी गुड, सिंपल मेजोरिटी, बिल्कुल सही बात है।
आकाश 11:45 पे दोस्त मेरी डेली क्लास होती है, 9:45 पे स्पेशल पे, 11:45 पे यहाँ पे, समझ गए। तो तीन चीजें, तीन चार चीजें छोटी से, इस छोटी से आपको इन पांच लाइन से आपको तीन से चार क्वेश्चन मिल सकते हैं अलग अलग। यानी गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति बैठक बुलाएंगे, संयुक्त बैठक, और जो उपस्थित और मतदान देने वालों का बहुमत, मतलब क्या होता है, साधारण बहुमत से पास होगा, तो अगर साधारण बहुमत से इस संयुक्त बैठक में पास हो गया तो वो विधेयक क्या हो जाएगा, पास माना जाता है, समझ गए, पास माना जाता है। अब विधेयक हो गया पास, नॉर्मली पास हो जाता है या संयुक्त बैठक के पास, अब वो विधेयक कहाँ जाएगा, बस लास्ट पांचवां चरण हम पढ़ रहे हैं, पांचवां चरण कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस समय राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं, या तो विधेयक को स्वीकृति दे देंगे, या विधेयक की स्वीकृति हेतु विधेयक को रोक सकते हैं, पॉकेट वीटो, या पुनर्विचार हेतु विधेयक को वापस लौटा सकते हैं। कितनी बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं राष्ट्रपति, फटाफट बताओ कितनी बार। बिल्कुल अमन को याद है, झुनझुना दे दिया यार, सही में डायलॉग्स याद रहते हैं। कितनी बार राष्ट्रपति खत्म हो गया है ड्रीमर, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, लेकिन चैप्टर खत्म हो गया है। एक बार ध्यान रख लेना, केवल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और मुझे इसी बात पे ये बता दो कि ये जो प्रोविजन है ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, कि भाई राष्ट्रपति के हाथ में जो झुनझुना दिया था कि एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये प्रोविजन किया गया था। बहुत ही वेरी गुड ड्रीमर दिया, बहुत ही बढ़िया। और कौन बताएगा, सौरव शानदार, रैना, सचिन, पूर्णिमा नहीं, पूर्णिमा ध्यान से ध्यान रख लेना, 44वें संविधान संशोधन 1978 जनता दल की सरकार, तरस आ गया राष्ट्रपति पे कि राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है साधारण विधेयक पे बात मानने के लिए, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद बिना उस विधेयक को देखेगी भी नहीं ना, मंत्रिपरिषद मान लो ये विधेयक आया मेरे पास, विधेयक ऊपर से ही अच्छा विधेयक पुनर्विचार के लिए भेजा है, बस पड़ा रहा, और उस विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति क्या बाध्यकारी होंगे सिग्नेचर करने के लिए। इसलिए मतलब इसको देसी भाषा में कह सकते हैं कि झुंझुनू, समझ गए। और यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देते हैं तो क्या होगा, यदि स्वीकृति दे दी तो ये अधिनियम बन जाएगा, ये एक्ट बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा, किंतु यदि राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर देते हैं तो यह निरस्त या समाप्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को वापस भेजता है तो सदन संशोधन या बिना संशोधन किए भी दोबारा राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। इस प्रकार राष्ट्रपति वास्तव में निलंबनकारी वीटो का ही प्रयोग कर सकते हैं। वीटो कौन सी होती है, क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बार कल की क्लास में, शायद मीनाक्षी ने मुझे कमेंट में याद दिलाया था कि मैम कल आपने रिवाइज नहीं कराया, आज मैं बस ये बताऊंगी मैंने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पढ़ाया, ध्यान से देख लेना, स्थगन प्रस्ताव को बहुत अच्छे से देखना है, अविश्वास प्रस्ताव बताया आपको, विश्वास, धन्यवाद प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार गिर जाएगी यदि पारित नहीं होगा, अन्य दिवस, विलंबनकारी प्रस्ताव कोई जरूरत नहीं है, औचित्य प्रश्न देख सकते हो, आधे घंटे की बहस और अल्पकालीन चर्चा, संकल्प और प्रस्ताव कंपैरिजन करते हुए पढ़ाऊंगी, युवा संसद बताया, संसद में विधायी प्रक्रिया बताई, पूरा अच्छे से बताया कि सरकारी गैर सरकारी दोनों ला सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ला सकते हैं, इन चारों में डिफरेंस बताया, साधारण विधेयक का पूरा प्रोसेस बताया, प्रथम पाठन में केवल विधेयक का प्रस्तुतीकरण राजपत्र में प्रकाशित होना होता है, द्वितीय पाठन में बहस होगी, खंडवार चर्चा होगी, संशोधन, सारी चीजें द्वितीय वाचन में होंगी, और तृतीय वाचन में केवल क्या होगा, स्वीकार या अस्वीकार, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा तो चार विकल्प होते हैं, समझ गए। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति के पास जाएगा।